हेलो दोस्तों, जागरण जोश डॉट कॉम के डेली करेंट अफेयर्स वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ शारदानंद। हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि आज के दिन से क्या कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बनते हैं, उससे कैसे सवाल बन सकते हैं, साथ ही उनके जवाबों और उनसे जुड़े फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है, हाल ही में किस देश के तेल भंडार पर ड्रोन अटैक किया गया? और सही जवाब है ऑप्शन सी, सऊदी अरब। सऊदी अरब का सबसे बड़ा जो तेल की कंपनी है और उसके जो अपने प्लांट्स हैं, ऑयल प्लांट्स हैं, वहाँ पर जो है ड्रोन के जरिए, लगभग 10 से ज़्यादा ड्रोन के जरिए सीधे सीधे अटैक किया गया, और जिससे पूरे देश में अगर आप देखें तो ग्लोबल लेवल पे वायल के जो तेल की जो अब प्राइस होगी और जो उसका जो सप्लाई होगा उसको सीधे सीधे डिसरप्ट करने की कोशिश की गई है। और बहुत हद तक जिन्होंने ये अटैक किया है वो कामयाब भी रहे। पहले तो समझिए कि ये आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक हो सकता है, चाहे आप किसी एग्ज़ाम में बैठ रहे हो या फिर आप कोई इंटरव्यू दे रहे हो, तो आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है कि आप क्या जानते हैं इसके बारे में। समझिए हुआ क्या, सैटरडे को, जो लास्ट सैटरडे है, उस समय सऊदी अरब के जो सबसे बड़ा जो ऑयल प्लांट था, कंपनी है अरामको, ARAMCO, अरामको के प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ कहाँ पे हैं, खुराइज, जहाँ पे अटैक हुआ है, खुराइज और अबकाक्स, ये दो जगह पे ड्रोन से हमला किया गया और यहाँ पे सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और जिसके कारण विश्व भर में ऑयल के सप्लाई को जो है लगभग 6% तक की जो है उस ऑयल सप्लाई में कमी हो गई। साथ ही ये जो कीमत है वो लगभग कहा जा रहा है कि 10% की जो है ऑयल में वृद्धि भी हो जाएगी। अब 10% की वृद्धि हो जाने से अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में आपसे बात करूँ, तो एक आप सीधा सीधा एक गणित समझिए कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अगर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमत $1 ज़्यादा बढ़ती है, तो भारत को, इंडिया को $10,000 से ज़्यादा, $10,000 मतलब $10,700 करोड़ वो वार्षिक रूप से भारत को अतिरिक्त देना पड़ता है। समझिए, $1 के बढ़ने से साल भर में $10,700 करोड़ का अतिरिक्त बोझ जो है भारत पे आएगा। तो इससे कितना बड़ा इम्पैक्ट इंडिया की इकोनॉमी पे होगा हम समझ सकते हैं। वर्ल्ड लेवल पे क्या हो रहा है, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है अपने ट्वीट के जरिए कि इसमें जो है एक लग रहा है कि कहीं ना कहीं ईरान का हाथ है, क्योंकि वहाँ के जो फॉरेन एग्जीक्यूटिव हैं, उन्होंने जो पोम्पियो, उन्होंने साफ साफ कहा कि इसमें ईरान का हाथ है। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से धमकी दे दी है कि सऊदी अरब का इंतज़ार है कि वो हमें बताएं कौन है, नहीं तो हम स्ट्राइक करने को तैयार हैं। बहुत ही सिग्निफिकेंट उनका ये एक ट्विटर पे ये एक अनाउंसमेंट है, और ऐसा पहली बार हुआ है कि US के प्रेसिडेंट ने डायरेक्ट कोई स्ट्राइक की बात की कि US जो है तैयार है कहीं भी अभी स्ट्राइक करने के लिए। तो इस तरह से आप समझिए, तो एक पूरे ग्लोबली एक क्राइसिस हो रहा है और शुरू हो चुका है, और क्राइसिस सिर्फ ऑयल को लेके नहीं होगा, क्राइसिस पूरे पीस को, शांति व्यवस्था पे एक क्राइसिस होती नज़र आ रही है। हालांकि ईरान ने सीधे तौर पे इसे रिजेक्ट कर दिया कि हमारा कोई हाथ नहीं है, फिर भी एक जो एस्केलेशन है US और ईरान के बीच वो तो बढ़ ही गई, और टारगेट था सऊदी अरब का ऑयल फील्ड। और अब आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना, हमारी वेबसाइट jagranjosh.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है, ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस देश ने भारत की प्रमुख मसाला कंपनी MDH के सांभर मसाले में खतरनाक बैक्टीरिया साल्मोनेला, इंपॉर्टेंट टर्म है, साल्मोनेला की पुष्टि की? और सही जवाब है ऑप्शन डी, अमेरिका।
अमेरिका का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने भारत की प्रमुख मसाला कंपनी है MDH, उसके सांभर मसाले में सल्मोनेला बैक्टीरिया की पुष्टि की है। अब आप जाहिर से तौर पे आप समझ सकते हैं कि उनका जो FDA विभाग है वो हमसे कितना आगे है कि ये बैक्टीरिया जो कि जानलेवा है वहाँ पे उन्होंने इसमें पाए जाने की पुष्टि कर दी, लेकिन हमारे इंडिया में इसकी खबर तक नहीं है किसी को, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ को देखने का, किसी भी चीज़ को समझने का, टेस्ट करने का वहाँ पे जो दायरा है उससे वो और जितना विस्तृत दायरा है शायद वैसा भारत में नहीं है, और इसीलिए इन सब चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर नहीं समझ पाते, और उसका जो खामियाजा है वो गरीब लोगों को भुगतना पड़ता है या फिर यहाँ के आम लोगों को भुगतना पड़ता है। अब समझिए, साल्मोनेला बैक्टीरिया जो है एक समूह है जो खाद्य जनित बीमारियों का कारण बनता है, और इसे जो ये जो नाम दिया गया है वो है, पशु रोग विशेषज्ञ थे डैनियल एल्मर सैल्मर, इनके नाम पे जो है ये नाम साल्मोनेला दिया गया। ये जो जनरली होती है ये मीट, फ्रूट, इस सब से ये फैलती है, लेकिन इस MDH के मसाले में इसका होना अपने आप में खतरनाक है, और इस तरह के मसालों को हम कंज्यूम करते हैं तो हम लोग हेल्थ वाइज हम लोग कितना पीछे हैं ये यहाँ से हमें पता चलता है। फिलहाल हम बढ़ेंगे आज के अगले सवाल पर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दूरदर्शन की किस वर्षगांठ पर डाक टिकट जारी किया, और सही जवाब है ऑप्शन बी 60वीं। 60वीं वर्षगांठ पे जो प्रकाश जावड़ेकर हैं उन्होंने एक डाक टिकट को, पोस्टल स्टाम्प को जारी किया है, इसको मनाने के लिए दूरदर्शन के 60 साल पूरे होने की खुशी में। दूरदर्शन का जो पहला प्रसारण था वो 15 सितंबर 1959 को प्रयोगात्मक आधार पर आधे घंटे के लिए शैक्षिक और विकास कार्यक्रमों के रूप में शुरू किया गया, लेकिन ये इतना फेमस हो गया कि TV का ये एक अनुरूप, एक इसको आप कह सकते हैं कि इसका एंटोनिम हो गया था दूरदर्शन। और दूरदर्शन मतलब क्या हो जाता है कि जो आप टेलीविज़न जो आप देखते हैं, लेकिन इसको लोग दूरदर्शन के नाम से जो है लोग जानने लग गए थे, क्योंकि ये जो प्रसारण था शुरुआत में वो सिर्फ 3 दिन आधे आधे घंटे होता था, और इसको तब नाम दिया गया था टेलीविज़न इंडिया। बाद में 1975 में इसका हिंदी नामकरण दूरदर्शन की हुआ, और उसके बाद अब जाके इसके ऊपर पोस्टल स्टाम्प जो है मिनिस्टर ने लॉन्च किया। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे आंध्र प्रदेश का पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया, और सही जवाब है ऑप्शन ए जस्टिस पी लक्ष्मण रेड्डी। जस्टिस पी लक्ष्मण रेड्डी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, इन्हें राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन द्वारा विजयवाड़ा में शपथ दिलाई गई। इनका जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा, और इनकी जो नियुक्ति हुई है वो जब मुख्यमंत्री वहां के जगन मोहन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के थे उनकी अध्यक्षता वाली कमेटी ने इसमें लोकायुक्त अधिनियम में बदलाव के साथ किया था, और ये बदलाव के तहत ये बताया गया कि अब जो वहाँ लोकायुक्त नियुक्त होंगे वो सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी हो सकते हैं, और उनके बाद जस्टिस पी लक्ष्मण रेड्डी का वहाँ पे नियुक्ति की गई है। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया, और सही जवाब है ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के सरकारी विभागों में पारदर्शिता और जिम्मेदारी लाने के लिए जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया। इसे आम लोगों को एक ही जगह पर सूचनाएं उपलब्ध हो सकेंगी, इसके बाद लोगों को किसी तरह की जानकारी लेने के लिए RTA लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। पोर्टल से आम जनता से जुड़े 13 सरकारी विभागों को जोड़ा गया है, जिसमें शिक्षा, चिकित्सा, ऊर्जा, पंचायती राज, राजस्व, ये सारे जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट हैं उन सबको यहाँ पर ऐड किया गया। अगला सवाल, हाल ही में राष्ट्रीय रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने किस शहर में समुद्री संचार सेवा का शुभारंभ किया, और सही जवाब है ऑप्शन ए मुंबई। भारत में संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग के माध्यम से वित्तीय समावेशन, डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस जैसे कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ये जो राष्ट्रीय रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है ये पहली भारतीय कंपनी है जो समुद्री क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करेगी। अगला सवाल, हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का पहला चांसलर किसे नियुक्त किया गया, और सही जवाब है ऑप्शन बी कपिल देव। ये जो है कपिल देव, हम सबको पता है कि इंडियन क्रिकेट टीम के ये भूतपूर्व कप्तान रह चुके हैं, इन्हीं की कप्तानी में हमने एक वर्ल्ड कप जीता था, भारत ने सबसे पहला जो 3rd वर्ल्ड कप था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हमने जीता था, और इन्हें अभी जो हरियाणा में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुला उसका पहला चांसलर इन्हें नियुक्त किया गया। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात करें तो हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी देश की 3री स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है।
इससे पहले गुजरात, जिसका नाम है स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, और चेन्नई, तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी संचालित होते हैं। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चोरी हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? और सही जवाब है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र सरकार। यह प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के मोबाइल ग्राहकों को उनके चोरी हुए मोबाइल फोन की रिपोर्ट दर्ज कराने की सुविधा भी प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त यह चोरी हुए मोबाइल फोन को अवरुद्ध करने की सुविधा भी देता है, जिससे चोरी हुए मोबाइल फोन के पुनः उपयोग की संभावना को रोका जा सकता है। तो दोस्तों, यही खत्म होता है आज का पहला सेगमेंट। बढ़ेंगे अगले सेगमेंट पे, जहाँ पे मैंने आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब बताएंगे और आपके लिए नया सवाल भी होगा। मैंने आपसे पूछा था भारत के किस स्टेडियम में विराट कोहली पवेलियन स्टैंड बनाया गया, और सही जवाब था ऑप्शन डी, अरुण जेटली स्टेडियम। आप सबको मैंने पहले बताया था कि जो फिरोज शाह कोटला मैदान था उसका नाम, उनका देहांत हो गया था, तो उसके बाद जो DCA था, दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन, उन्होंने इसका नाम अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम करने की जो है बात कही थी, और इसका अब जाके फॉर्मली इसका नाम चेंज हो गया। लेकिन पिच जो होगा, पिच का नाम फिरोज शाह कोटला पिच ही होगा, लेकिन मैदान फिरोज शाह कोटला मैदान ही रहेगा। स्टेडियम का नाम अरुण जेटली स्टेडियम हो गया, और उसी में अब एक स्टैंड विराट कोहली के नाम से एक पवेलियन बनाया गया है। और एक सवाल जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के देना है, भारत के किस खिलाड़ी ने लगातार चौथे IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स खिताब के साथ अपने कैरियर का 22वां वर्ल्ड खिताब जीता? आप अपने जवाब को हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और देखते रहें जागरणजोश.com।